अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। लेकिन इस रेसिपी को बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और डिटेल्स के लिए प्लीज चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम जितना मटन। इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, और उतना ही धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इन सारी चीजों को मैं मटन में डाल दूंगी। यहां पर मैंने लिया है 2.5 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, इसको भी हम डाल देंगे। पानी डालेंगे 600 ml जितना, और इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये गोश्त हमारा पककर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 4 से 5 बंच पालक के, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, और 4 छोटी साइज के टमाटर, इसको भी मैंने उसी पानी में बॉईल कर लिया है जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया, और 2 प्याज मैंने बॉईल किए हैं और उसकी प्योरी बना ली है, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 3-3 टेबलस्पून घी और ऑयल मिक्स, और 1 से 2 टेबलस्पून क्रीम, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेंगे, और 1 टीस्पून साबुत जीरा लेंगे, और घी लेंगे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम तेल और घी जो मैंने लिया था दोनों मिक्स, इसको मैं डाल दूंगी। इसको गरम करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जितना साबुत जीरा। कुछ सेकंड के लिए उसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो बॉईल किए हुए प्याज थे, उसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये प्याज को मैंने उसी सेम पानी में बॉईल किया था जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जरा भी बाकी न रहे। तो ये तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और इसको बस चम्मच से ही ऐसे क्रश करते जाना है, और ये इसी तरह से पक जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो बॉईल किया हुआ पालक है हमारा, वो भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, और अब मैं गैस बंद कर दूंगी, और इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, नमक और कसूरी मेथी। इन सारी चीजों को मैं मिक्स करूंगी, और ठंडा होने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी, और इसकी अच्छी सी प्योरी बना देंगे हम। तो अब ये जो गोश्त पका हुआ हमारे पास है वो इसमें डाल देंगे, और 1 से 2 टेबलस्पून जितना क्रीम डालेंगे, और मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए हम इसको वापस पका लेंगे। तो मैंने ये पका लिया है। एक सिल्वर फॉइल का पीस रखेंगे, और अब इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे थोड़ा सा घी डालकर, और कवर कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे निकाल देंगे और सर्व करेंगे। तो ट्राई कीजिए मेरी रेसिपीज और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।